हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में थेवेनिन थ्योरम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में इसके लिए लिखा है इवेल्युएट द करंट आई इन द नेटवर्क शोन बाय थेवेनिन थ्योरम। देखिए, ये नेटवर्क में ये करंट आई हमें फाइंड आउट करना है जो कि ए बी ब्रांच से फ्लो हो रहा है और ये हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस अगर हमें यहां करंट आई फाइंड आउट करना है तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम तीन स्टेप का यूज करेंगे। स्टेप नंबर वन में हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ZTH, it means Thevenin equivalent impedance. फिर step number 2 में हम find out करेंगे VTH, it means Thevenin equivalent voltage. Then step number 3 में हम Thevenin equivalent circuit draw करेंगे और फिर वो step number 3 में हम current I find out करेंगे। तो चलो finally अब हम यहाँ ये सभी steps को one by one follow करते हैं। तो सबसे पहला step हमें ZTH find out करना है। तो ZTH find out करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ZTH find out करने के लिए हमें ये voltage source को deactivate करना पड़ेगा। It means ये voltage source को replace करना पड़ेगा by short circuit और ये AB टर्मिनल को हमें ओपन करना पड़ेगा। तो चलो एक न्यू सर्किट बनाते हैं। न्यू सर्किट में हम ये सब कुछ शो करेंगे। तो ये देखिए, हमने यहां पे लिखा है स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ ZTH और जैसा हमने कहा था कि हमें यहां पे एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, एक न्यू सर्किट बना लिए और ये न्यू सर्किट में हमने क्या किए, सबसे पहले वोल्टेज सोर्स को हमने डीएक्टिवेट किए। ये देखिए, जो मेन सर्किट था उसमें यहां पे वोल्टेज सोर्स था तो ये वोल्टेज सोर्स को हमने डीएक्टिवेट कर दिए। वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करते समय उसको रिप्लेस करना पड़ता है बाय शॉर्ट सर्किट। तो हमने यहां पे ये ब्रांच को शॉर्ट सर्किट कर दिए और यहां पे एबी टर्मिनल को ओपन करना था तो हमने यहां पे एबी टर्मिनल को ओपन कर लिए और अब यही ओपन एबी टर्मिनल के बीच में हमें ZTH फाइंड आउट करना है। ZTH माने थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस। इट मींस हमें इनडायरेक्टली यहां टोटल इंपेडेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन ओपन टर्मिनल AB। तो यहां पे टोटल इंपेडेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए, काफी सिंपल है। इसको आपको सीरीज पैरेलल से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहां पे कौन किसके साथ सीरीज पैरेलल में है। तो ये देखिए 3 और ये J4, ये जो दोनों है ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज करने के बाद ये जो है ये -J4 के साथ पैरेलल में है। ये देखिए, ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर के साथ ये जो ब्रांच है ये ब्रांच के साथ पैरेलल में है और फिर ये दोनों को सॉल्व करने के बाद फिर ये 4 के साथ सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हमें ZTH फाइंड आउट करने का तरीका यहां पता चल गया। तो हम यहां पे लिखेंगे ZTH इक्वल्स टू क्या-क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ये दोनों सीरीज में है तो हम लिखेंगे 3+J4। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है तो इसको हमने डायरेक्टली ऐड कर दिए और अब ये कैपेसिटर वाले ब्रांच के साथ पैरेलल में है तो हम यहां पे लिखेंगे, ये देखिए, ये हमने पैरेलल का साइन दे दिए। किसके साथ पैरेलल में है? -J4 के साथ। देखो ये -J4 के साथ पैरेलल में है और फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो ये 4 के साथ सीरीज में है तो ये आपको यहां +4 ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने ऐसा लिख दिया है यहां पे, ये देखिए। ओके, तो ये 3+J4, इट मींस ये ब्रांच 3+J4 वाली ब्रांच -J4 वाली ब्रांच के साथ पैरेलल में है। ठीक है, और फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन 4 के साथ सीरीज में है और अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करने के लिए क्या फार्मूला अप्लाई करना है? फार्मूला काफी सिंपल है, Z1 × Z2 / Z1 + Z2। आप वो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। देखो क्या कहा हमने, दैट इज Z1 × Z2 / Z1 + Z2। ये आप फार्मूले का यूज करेंगे। दो इंपेडेंसेस अगर पैरेलल में है तो आप ये फार्मूला जनरली यूज करते हैं, तो यहां पर हम वही करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, दैट इज बिल्कुल स्टेप 5 चलेंगे, 3+J4 × -J4, सब कुछ ब्रैकेट में लिखते जाओ, डिवाइडेड बाय 3+J4 + -J4 और अब ये पूरा कॉम्बिनेशन 4 के साथ सीरीज में है। ठीक है, Z1 × Z2 / Z1 + Z2 और ये 4 के साथ सीरीज में है तो सिर्फ इसको ऐड करना है और ये पूरा आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर में हमने सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर आ रहा है, दैट इज एंगल के फॉर्म में हम निकालेंगे 10.154 एट एन एंगल ऑफ, एंगल के फॉर्म में दैट इज -23.198। ये हमें क्या मिल गया? ZTH मिल गया। इसका मतलब ये है कि हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस मिल गया ZTH। तो ये स्टेप नंबर 1 यहां पे कंप्लीट हो गया। टोटल 3 स्टेप में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है जैसा हमने कहा था। तो स्टेप नंबर 1 में ZTH फाइंड आउट करना था तो ये हमने ZTH फाइंड आउट कर लिए बिटवीन द ओपन टर्मिनल AB और अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? VTH फाइंड आउट करना है, इट मींस थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, और वो हमें फिर से ओपन टर्मिनल AB के बीच में फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा।
तो ये देखिए जैसा हमने कहा था कि हमें न्यू सर्किट ड्रॉ करना है, तो देखो हमने यहां पे एक नहीं यहां दो दो न्यू सर्किट बना लिए हैं। यहां पे हमने लिखा है स्टेप नंबर टू कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच, हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड आउट करना है और न्यू सर्किट में ये हमने वोल्टेज सोर्स को जो है वो एज इट इज शो किया है और यहां पर एबी टर्मिनल को ओपन करना होता है, तो हमने एबी टर्मिनल को ओपन कर लिए और अब यही एबी टर्मिनल के बीच में हमें वीटीएच फाइंड आउट करना है। तो ये यहां पे हम लिखेंगे VTH क्योंकि हमें इनके बीच में AB के बीच में फाइंड आउट करना है। और ये जो नेक्स्ट सर्किट है इसका क्या मतलब है, तो ये नेक्स्ट सर्किट इट मींस ये रीड्रॉ सर्किट है। हमने क्या किया, हमने यही सर्किट को ऐसा बना दिए ताकि कंफ्यूजन कम हो। ये जो AB है जो यहां पे ऐसा दिख रहा है ये हमने इस तरह से शो किया है, ठीक है। आप ये सर्किट को ऐसा भी बना सकते हैं या आप ऐसा भी बना सकते हैं। तो यहां पर हमें इनडायरेक्टली फिर से वही, चलो हम यहां पर भी लिख लेते हैं VTH, हमें यहां पर ओपन टर्मिनल AB के बीच में VTH फाइंड आउट करना है। तो चलो अब ये VTH फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर VTH फाइंड आउट करना है AB के अक्रॉस, तो AB के अक्रॉस देखो हमने क्या कहा, AB के अक्रॉस इट मींस AB के पैरेलल में जो भी ब्रांच है उसके अक्रॉस का वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा। AB के अक्रॉस देखो, AB के पैरेलल में कौन सा ब्रांच है, AB के पैरेलल में ये ब्रांच है, कैपेसिटर वाला ब्रांच है, ठीक है। तो AB के अक्रॉस VTH यानी ही इसके पैरेलल ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज, तो इसके पैरेलल ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज इट मींस ये कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा। जो भी ये कैपेसिटर ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज होगा वही आपका VTH हो जाएगा। तो चलो हम ये कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कैपेसिटर में से फ्लो होने वाला करंट आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें से फ्लो होने वाला करंट अगर आपको पता चल गया तो ये करंट का यूज करके आप आसानी से कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बार इसके अक्रॉस का वोल्टेज मिल गया तो वही आपका VTH हो जाएगा, इट मींस वोल्टेज हो जाएगा अक्रॉस AB टर्मिनल, ठीक है। तो ये करंट फाइंड आउट करने के लिए अब हम यहां पे एक काम करेंगे, ये जो लूप है ये लूप में KVL अप्लाई करेंगे। देखो ये लूप में हमें KVL दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमें अप्लाई करना है। तो यहां पे हमने करंट का डायरेक्शन ले लिया लूप में, करंट का डायरेक्शन ये देखिए ये हमने क्लॉकवाइज लिया है और ये करंट को हमने नाम दिए हैं करंट I। और यहां पर हमें अगर KVL अप्लाई करना है तो देखो KVL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हम यहां लिखेंगे अप्लाई KVL दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द लूप, अप्लाई KVL इन द लूप। लूप में हमें KVL अप्लाई करना है तो लूप में सबसे पहले चेक करो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहां लूप में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, ये एक 1, 2, 3, 4, ठीक है, वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टर, इंडक्टर और ये कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां पे हमें KVL अप्लाई करना है, तो KVL अप्लाई करने के लिए KVL के रूल्स आपको पता होना चाहिए। इसके पहले ऑलरेडी हमने KVL के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोज अपलोड किए थे, वो वीडियोज आप देख सकते हैं, KVL का जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट करेंगे। चलो चेक करते हैं वोल्टेज सोर्स में ये जो करंट I है ये कौन से साइड से एंटर करता है। देखो रूल ऐसा है कि अगर वोल्टेज सोर्स में करंट नेगेटिव साइड से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू नेगेटिव मिलो, और अगर करंट वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव साइड से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव मिलो, ठीक है, इतना सिंपल है। तो देखो ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, ठीक है, माइनस नीचे है, ये करंट ऐसा क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये करंट क्लॉकवाइज है और ये जो करंट है ये वोल्टेज सोर्स में नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, देखिए ये माइनस से एंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हम माइनस मिलेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे माइनस और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 9+j0, ठीक है, ये हमने निगेटिव मिली, ओके। और अब बाकी के जो एलिमेंट्स है वो यहां पर पॉजिटिव में ही रहेंगे। ये जो 3 है ये 3 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, तो हम लिखेंगे 3 × I। देन ये जो J4 है इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप प्लस J4 × I अगेन, और देन ये दोनों हो गए। अब यहां पे ये इसके देखो इसके आगे ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस है तो माइनस में ही रहेगा, माइनस J4 और इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप के लिए इसको I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अब इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फाइनली हमने लूप 1 में KVL अप्लाई कर लिए, ओके। और लूप 1 में KVL अप्लाई करने के बाद ऐसा इक्वेशन मिला, यहां से हमें I फाइंड आउट करना है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स में करंट नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा था इसलिए वोल्टेज सोर्स का जो वैल्यू है वो हमने नेगेटिव में लिए। देन ये रेजिस्टर इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 3 × I, ये इंडक्टर इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप J4 × I, ये कैपेसिटर इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप दैट इज -J4 × I। यहां माइनस क्यों आया, क्योंकि यहां ऑलरेडी माइनस है। तो करंट I हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहां देखिए काफी आसानी से ये करंट I फाइंड आउट हो जाएगा। सबसे पहले तो ये दोनों को हमने कैंसिल कर दिए क्योंकि दोनों सिमिलर है प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। और ये 9+j0 इट मींस इनडायरेक्टली ये 9, तो ये हम लिखेंगे -9+3I = 0, ठीक है। तो यहां पे हमें क्लियर कट मिल जाएगा दैट इज 3I = 9, सो हमें यहां पे I मिल जाएगा, I मिल गया कितना, I मिल गया 3 एम्पियर, सो I = 3 एम्पियर, ये हम यहां लिख देंगे। तो फाइनली हमें करंट I चाहिए था, I मिल गया। और अब यही करंट I का हम यूज करेंगे
और यही करंट आई का यूज करके ये जो कैपेसिटर वाला ब्रांच है इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे और वही वोल्टेज VTH हो जाएगा। तो इसके बाद हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। देखो हमें अब डायरेक्टली VTH मिल जाएगा। VTH ये हो जाएगा I into that is minus of J4। I कितना है 3 है into minus of J4, तो ये हो गया minus of J12। तो फाइनली हमें VTH मिल गया ओके। और ये होल्ट तो ये हमने J के फॉर्म में निकाला है, आप चाहे तो इसको एंगल के फॉर्म में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल ये ऐसा ही रहने देंगे। तो ये हमें क्या मिल गया, VTH मिल गया। अगर आपको एंगल के फॉर्म में फिर भी लिखना है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं VTH इक्वल्स टू दैट इज 12 एट एन एंगल ऑफ माइनस 90 होल्ट। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आप कोई भी फॉर्म में लिखो कोई दिक्कत नहीं है, जे के फॉर्म में लिखेंगे तो भी चलेगा, एंगल के फॉर्म में लिखेंगे तो भी चलेगा। तो फाइनली स्टेप नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। स्टेप नंबर 2 में हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड आउट करना था, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। और अब जैसा हमने कहा था कि स्टेप नंबर थ्री में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर थ्री में हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो चलो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हमें क्या करना होता है, ZTH और VTH ये दोनों को सीरीज में कनेक्टेड करके सर्किट ड्रॉ करना होता है। तो चलो सर्किट बनाएंगे। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था, हमने यहां लिख दिया है स्टेप नंबर 3 थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, और ये सर्किट हम ड्रॉ कर रहे हैं और इसमें VTH और ZTH को सीरीज में कनेक्टेड करना है। तो ये देखिए ये VTH कितना है 12 एट एन एंगल ऑफ माइनस 90 होल्ट। आप इसको J के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लिखेंगे सीधा सीधा 12 एट एन एंगल ऑफ माइनस 90 होल्ट, ठीक है। तो ये हमने VTH का वैल्यू लिख दिया है, और ZTH का ये जो वैल्यू है वो हमें यहां लिखना है, दैट इज 10.154 एट एन एंगल ऑफ ये कितना है माइनस 23.198। लेकिन अब यहां पे ये जो हमने ZTH तो लिख दिए, लेकिन हमें करंट I फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन में लिखा था कि ये AB टर्मिनल में से फ्लो होने वाला करंट I फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे अब यहां पे सॉल्व करेंगे, देखिए काफी सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, ये AB टर्मिनल के बीच में जो 2 और J3 ओहम के जो ब्रांच यहां पे जो एलिमेंट्स है वो हमें अब यहां पे शो करना पड़ेगा। तो ये हमने रेजिस्टेंस लगा दिए 2 ओहम का, और यहां पे इंडक्टेंस लगा दिए कितना है J3 ओहम का इंडक्टेंस, और इसमें से फ्लो होने वाला करंट I हमें फाइंड आउट करना है। तो वो करंट I हम यहां पे शो करेंगे, ये करंट I हमने शो किया है। ये जो करंट है ये एक्चुअली ये करंट को हम लोड करंट IL कहेंगे, क्योंकि वो जो हमने यहां पे 2 और J3 ये जो लगाया है ये इंपेडेंस, ये एज अ लोड इंपेडेंस कहलाएगा, ये लोड इंपेडेंस है, और इसमें से फ्लो होने वाला करंट दैट इज लोड करंट, ठीक है। AB टर्मिनल के बीच में ये दोनों थे, तो वही हमने यहां पे AB टर्मिनल के बीच में लगा दिए, और अब इनमें से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। और ये करंट फाइंड आउट करना काफी सिंपल है, हम यहां पे ओम्स लॉ का यूज करेंगे, करंट I इक्वल्स टू V बाय Z उसका हम यूज करेंगे। ये पूरे सर्किट में, ये पूरे लूप में ये है वोल्टेज और ये है इंपेडेंस, ठीक है। तो ये वोल्टेज बाय इंपेडेंस आपको सीधा सीधा करना है, तो करंट I यहां पे मिल जाएगा, दैट इज लोड करंट, इट मीन्स आउटपुट करंट, दैट इज करंट थ्रू ब्रांच AB, वो हमें मिल जाएगा। सो IL इक्वल्स टू हमने क्या कहा, VTH डिवाइडेड बाय ZTH प्लस ZL। ZTH प्लस ZL कितना है, ZL है 2 प्लस J3, ZL इट मींस लोड इंपेडेंस, ठीक है। तो ये हमने 2 प्लस J3 यहां पे लिख दिए। VTH और ZTH का वैल्यू अब हमें लिखना है, VTH का वैल्यू कितना है 12 एट एन एंगल ऑफ, हम लिखेंगे न्यूमरेटर में 12 एट एन एंगल ऑफ माइनस ऑफ 90, और डिनोमिनेटर काफी बड़ा हो जाएगा। ZTH है दैट इज 10.154 एट एन एंगल ऑफ माइनस 23.198, और फिर प्लस है 2 प्लस J3 ओके। और अब ये पूरा आपको कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करना पड़ेगा। तो ये हमने कैलकुलेटर में सॉल्व कर लिया है 1.054 एट एन एंगल ऑफ माइनस 84.958 एम्पियर। तो फाइनली ये हमें करंट I मिल चुका है। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB, इट मींस 2 प्लस J3 वाली ब्रांच में, ये देखिए ये जो 2 प्लस J3 वाले ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना था। तो ये हमने करंट I फाइंड आउट कर लिए, ये करंट को हमने नाम दिए हैं दैट इज लोड करंट IL, और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था थेवेनिन थ्योरम का आज का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले जो हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।